क्षमा कीजिए। मर गया हमारे दामिनी। बस कावेरी मासी, मोहन भैया पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दामिनी अब नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं कि वो संत बन गई है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसी के किए का नतीजा है। जाने कितनी बार उसने राधा और गुनगुन को मारने की कोशिश की। और भूलेगा मत मासी कि जाते जाते दामिनी खुद कन्फेस करके गई थी कि उसी ने तुलसी भाभी को मारा था। मैं तो कहती हूँ जो भी हो वो अच्छे के लिए हुआ, वो यही डिजर्व करती है। केतकी बिल्कुल सही कह रही है मासी, जो दामिनी के साथ हुआ वो दामिनी डिजर्व करती थी, और अब जो आपके साथ होने वाला है वो आप डिजर्व करती हैं। आपके पापा को घड़ा भर गया मासी, और ये जानने के बाद कि आपने दामिनी का साथ दिया है तुलसी भाभी का मर्डर करने में, मैं आपको इस घर में नहीं रहने दे सकता हूं। आपको इस घर से जाना ही होगा। चलिए निकलिए यहां से। सही कहा राहुल भैया, हम इसे घर में रहने ही नहीं देंगे। चलिए मासी। चलिए जीजी। राधा ये क्रिमिनल है और हम इस क्रिमिनल को घर में रहने नहीं दे सकते। हाँ जीजी, ये एक अपराधी है। पर उससे भी पहले ये एक माँ है जिन्होंने आज अपनी बच्ची को खोया है, और ये दर्द ना बहुत गहरा होता है। माना कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी इनके साथ बुरा करेंगे। हत्या दामिनी ने की थी, बड़ी काकी जी ने नहीं। इन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी के अपराध को छुपाने का अपराध किया है। अपनी जवान बेटी की मौत को देखने से बड़ा दंड और एक मां के लिए क्या हो सकता है। इस घर में दामिनी की आखिरी यादें, और इसलिए अच्छा यही होगा कि बड़ी काकी जी को इन यादों के सहारे जीने के लिए यही रखते। राधा ये सबका जिम्मेदार तो मैं हूं। या किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मैं हूं। हाँ राधा, ये सब मेरी वजह से तो हुआ है। मुझे दामिनी से वो सगाई नहीं करनी चाहिए थी। उस सगाई ने दामिनी को झूठी उम्मीदें दी और उसका दिल टूट गया। असी सही तो कह रही है ना, दामिनी का असली गुनेगार तो मैं। नहीं मोहन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप ना ही किसी के अपराधी हैं और ना ही आपको किसी बात की ग्लानी होनी चाहिए। दामिनी से आपने सगाई तोड़ी थी, और ये बात भी तो आपने उसे स्पष्ट कर दी थी ना कि आप उससे प्रेम नहीं करते। अब ये तो उसकी गलती थी कि वो ये बात समझ नहीं पाई। वो ये सहन नहीं कर पाई कि आपने किसी और से शादी कर ली। उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वो उसकी सनक थी, उसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद ही है, आप नहीं।
बड़ी काकी जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हम आपका दर्द अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आज आपने अपनी औलाद को खोया है और इसका दर्द बहुत गहरा होता है। हम सब बाकी बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा दर्द किसी को भी ना दे। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है बड़ी काकी जी। हाँ, एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि आज के बाद अब बिल्कुल अकेली हो जाएंगे, आपका कोई भी अपना नहीं और जाने के लिए आपके पास कोई जगह भी नहीं बची। पर बड़ी काकी जी, आप यहाँ इस घर में आराम से रह सकती हैं, किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और एक और बात स्पष्ट कर देते हैं, अपराधी आपकी बेटी थी। हमारे पति ने इसीलिए आज के बाद कभी भी हमारे पति पर कोई भी दोष मत डालिएगा। दामिनी ने चाहे कुछ भी किया हो, उसके बावजूद वो इस परिवार की सदस्य थी। पूरे विधि विधान के साथ दामिनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहन जी, आप कमरे में चलिए, आपको बहुत चोटें लगी, आपको आराम की जरूरत है। केतकी जी, आप गुनगुन का ख्याल रखिएगा। चलिए मोहन जी। ऐसे समय पर तो दुश्मन का भी दिल पिघल जाता है, और माँ जी अपनी सगी बहन को टूटा हुआ देखकर संभाल भी नहीं रही। ना उन्हें गले से लगा रही, ना उनके आंसू पोंछ रही है। आखिर कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? माँ जी, आप पर ना हमारा संदेह बढ़ता ही जा रहा है कि आप ही गुरु माँ हैं। ये बात तो स्पष्ट है, पर क्या आप ही तुलसी जी की कातिल है? मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। दामिनी ने मुझे सिर्फ मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे दामिनी ने नहीं मारा था। मोहन और कुकुर की जान अभी भी खतरे में, उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा है राधा। हमें तुलसी जी की कुंडी तक जल्द से जल्द पहुंचना ही होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं मिल जाता, मुझे और गुरु का जीवन अभी भी खतरे में ही। उस रास्ते पहुंचने का बस एक ही तरीका है। Thank you.
तुलसी जी की मौत से जुड़ी हर कड़ी का पता हमें यही से लगेगा। पर बाकी बिहारी जी कैसे, आखिर तुलसी जी के साथ हुआ क्या था, कैसे पता लगा? तामिनी ने मुझे सिर्फ मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तामिनी ने नहीं मारा था। इस घर में कोई नहीं बचा था, मुझे भी निकल जाना चाहिए। हर अपराधी अपने अपराध का कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है, और हमें पूरा विश्वास तुलसी जी के खूनी ने भी पक्का कोई सबूत छोड़ा ही होगा। संबल है जिससे दामिनी तुलसी जी को मार रही थी, अरे मामूली संबल से आत्मा को कैसे चोट लग सकती है? इसका मतलब कि वही संबल है जिसे तुलसी जी को मारा गया था, शायद इसी मरने के बाद भी इससे तुलसी जी को चोटें लग रही थी। अब यही सब बल हमें उस कुएं तक पहुंचाएगा। बाकी वह ठीक है। ये तो दामिनी का फोन है, हमें जल्द से जल्द सबल को शिखर भैया के पास जांच पड़ताल के लिए भेजना ही होगा। हेलो शेखर भैया, हेलो शेखर भैया, हेलो हेलो शेखर भैया, आपको आवाज आ रही है? हाँ 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 शेखर भैया, हम कह रहे थे कि वो सबल ना हमारे पास ही है,
और क्या हम उस अबल को उस जांच के लिए भेज सकते हैं? अरे वो जांच, हाँ फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम इस अबल के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। आखिर इस अबल किस काम के लिए इस्तेमाल किया था ये जानना चाहते। ठीक है शिखर भैया, आप अभी घर आ जाइए, हम आपको ये अबल दे देते हैं। पर प्लीज हाँ शिखर भैया, कल सुबह होते ही आप इस अबल को जांच पड़ताल के लिए भेज दीजिएगा। और बात शिखर भैया, ये बात ना आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी और को सबल के बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। ठीक है शिखर भैया, रखते हैं। शक बिल्कुल सही था कि आप यहां जरूर आओगे। आप ही हो सारे फसाद की जड़ और हमारे त्रिवेदी परिवार की बर्बादी का कारण। हमारा शक बिल्कुल सही था और आज हमें यकीन भी होगा। आपका यहाँ आना, इस सबल को ढूंढना, समय समय पर घर से गायब हो जाना, अचानक से आपके बर्ताव में इतना बदलाव आ जाना और हमारे प्रति अचानक से इतनी नफरत हो जाना, हमने सारी कड़ियां जोड़ दी है। माँ जी क्या बकवास कर रही हो राधा, कैसा शक? अरे हम तो एक सास के नाते तुम्हारे पीछे पीछे आए थे। राधा, जब घर की बहू छुपते छुपाते घर से बाहर अकेली निकलती है ना, तो एक सास को उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो कोई परेशानी में तो नहीं फंस गई। अच्छा माँ जी, तो ये बताइए कि आप ये काला कपड़ा पहनकर हाथों में ये चाकू लेकर ये सबल क्यों ढूंढने आई थी? अरे क्या सबल, क्यों आएंगे हम इस सबल के पीछे? क्या सबल लगा रखा है? इस सबल में क्या है और क्या नहीं, और आपने तुलसी जीजू को कब और कैसे मारा, ये सब कुछ तो आप ही बताएंगी ना माँ जी। क्या यूं कहे, तुलसी जीजू की कातिल? क्या बकवास कर रही हो राधा, ये तुम्हारी ये जो बकवास है इसमें भरोसा कौन करेगा? कौन हम पर भरोसा करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात थी माँ जी, पर पहले आपने ये तो कहा था कि ये घिनौना अपराध आपने नहीं किया। आपका इस बात को इनकार ना करना ही हमारा सबसे बड़ा सबूत है माँ जी। अब आप हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, ना ही आपका कोई झूठ काम आएगा, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि आप ही गुरु मां। काला कपड़ा पहनकर घर में घूमने वाली भैरूपिया भी आप ही हैं माँ जी, और हमारी तुलसी जी की कातिल भी आप ही हैं।
अब आप कोई भी सफाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब हम कोई सफाई देना भी नहीं चाहते राधा। क्या साबित क्या करना चाहती हो कि हमने तुलसी का खून किया है? ठीक है, हाँ हमने तुलसी का खून किया। हाँ, मारा है हमने तुलसी को।